एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 की, जिसमें से यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी कि जिसमें हम लोग फार्मूले की बात किया था, यानी कि थीटा का वैल्यू की बात किया था, वो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखने वाले हैं। चलिए देखिएगा, देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10। ओके, चलिए स्टडी करते हैं हम लोग वन बाय वन, देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। हम लोग बुक यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। साइंस 20 क्वेश्चन पर 20 30 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 50 प्लस आनी इंटू कॉस 60 साइन 60 कॉस 30 साइन 50 कॉस 60, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए साइन 30 रूट 3/2 इंटू कॉस 30 रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 30 1/2। कैलकुलेशन करना है बाबू और कुछ करनी नहीं है। अगर थीटा की मान अगर आप लोग को याद है, और इसके पहले वाले जो वीडियो में है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 8.2 की, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख लोगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 ऑल्सो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। द क्वेश्चन इज, देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसे रिलेट करेंगे बिकॉज एक ट्राइग्नोमेट्री है और इतना सारा छोटा सा मोड में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे बिना देर किए हुए। तो सेकेंड क्वेश्चन है, टू टेन 45 प्लस कॉस 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। टू टेन ऐसा देखेंगे, टू टेन का वैल्यू 1 होता है प्लस साइन 30 रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर कैंसिल, दिखाओ निकला तो दूसरे माइनस आंसर होंगे 2 × 1 इक्वल टू 2 इक्वल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरियस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ समझने वाली बातें हैं, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन इज, cos 45 वन सिक्स 30 प्लस cos 30। ध्यान से देखिएगा, cos 45 इज 1/2 एल्सो 6/30, यानी 6/30 जो हम लोग का है cos 30 रूट 3/2 और 2/3। ओके, प्लस cos 30 2/1 एलसीएम क्या होंगे हम देख लेंगे यहाँ से। 1/2 बाई एलसीएम यहाँ होगा रूट 3 टू प्लस 1 से डिवाइड करें रूट 3 इंटू 2 टू रूट 3। ओके, आगे देखेंगे हम लोग 1/2 मल्टीपल रूट 3 बाई 2 + 2√3 2 + 2√3। आगे देखिएगा रूट 3 बाई 2√2, इससे मल्टीपल करेंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पे होंगे 2√3, बस कुछ नहीं करेंगे, एक स्टेप चेंज करेंगे। वो स्टेप क्या चेंज करेंगे वो देखिएगा, वो लिखेंगे √3 बाई 2√3
प्लस टू रूपी, कुछ महत्या नहीं। और यहाँ पे हम लोग परमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, और वो क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे टू रूट सिक्स माइनस, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीपल करेंगे टू रूट टू से, टू रूट टू एंड टू रूट सिक्स माइनस टू रूट टू, ये जो सेम है सेम चीज से मल्टीपल करेंगे, बस फर्क इतना ही हुआ कि यहाँ पे जो साइन प्लस का है वहाँ पे साइन क्या होंगे माइनस का होंगे। ध्यान से ये क्या गजब लिखा रहा है, ठीक है। जब मल्टीपल करेंगे हम लोग तो टू से मल्टीपल करेंगे इसको, जब मल्टीपल करेंगे टू रूट एटीन आएगा, फिर इसको मल्टीपल करेंगे उससे माइनस टू रूट सिक्स आएगा बाई। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला होगा टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, दो कॉमन करेंगे यहाँ से, दो कॉमन होगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाइन इंटू टू रूट ओवर एटीन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, माइनस रूट सिक्स लिखेंगे बाई। यहाँ से होगा टू का स्क्वायर फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर और टू का स्क्वायर टू आई फोर टू का एट, ओके यू विल गेट। इधर देखेंगे हम लोग फाइनली यहाँ पे आ जाएंगे आंसर, टू नाइन बाहर आएंगे थ्री होगा, थ्री रूट टू ओके माइनस रूट सिक्स बाई, सब्ट्रैक्ट होगा सिक्सटीन आएगा और एक कट जाएगा एट टाइम्स में, और हमारा फाइनली आंसर होगा थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स बाई एट, ये हमारा आंसर हुआ। ध्यान रखिए ठीक, हमने कुछ किया नहीं, बस वैल्यू को पुट किया, वन बाई रूट टू सिक्स थर्टी, टू बाई रूट थ्री कॉसेक थर्टी, टू बाई वन, यहाँ पे क्या किया इन दोनों बैल से रूट थ्री लिया, वन से डिवाइड किया रूट थ्री आएंगे, रूट थ्री रूट टू रूट थ्री आया। फिर मैंने वहाँ दिया क्रॉस मल्टीपल जो था, यानी यहाँ पे जो सिस्टमेटिक था, जो यानी रेशनल के नीचे रेशनल नंबर जो था, यानी कि तो मैंने किया वन बाई रूट थ्री मल्टीपल रूट थ्री बाई टू प्लस टू रूट थ्री, और इसे कैलकुलेशन करने के बाद, गणना करने के बाद हमारा आया रूट थ्री बाई टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स। हमने इसे चेंज किया क्या, इसको पहले ले आया और इसको बाद में दे दिया, ताकि हम इस बात का ध्यान रखें कि माइनस होना ठीक है, और प्लस पे ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमने लिखा टू रूट सिक्स प्लस टू रूट टू मल्टीपल, यहाँ से हम लोग हर पर भी कर किया, ध्यान रखेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, आने पर नहीं करें, परमीकरण करेंगे, परमीकरण करेंगे तो बस मल्टीपल किया हमने, टू बाहर आएगा सिक्स थ्री एटीन आएगा अठारह होगा, एंड यहाँ पर मल्टीपल करेंगे टू रूट सिक्स आएगा। वहाँ पे नीचे का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑलरेडी आ रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो अप्लाई किया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, ये यहाँ पे ए वाले फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने ठीक है। और यहाँ पे मेरा आया टू का स्क्वायर फोर इंटू सिक्स रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स आएगा, यानी ट्वेंटी फोर माइनस सेवन है एट आएगा, और सबसे करने के बाद यहाँ पे सिक्सटीन आएगा, ये हमारा था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थर्टी प्लस टेन फोर्टी फाइव माइनस कॉसेस सिक्सटी बाई सेक थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी डिग्री प्लस कॉट फोर्टी फाइव, ये क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट साइन थर्टी वन बाई टू टेन थर्टी वन माइनस कॉसेक थर्टी कॉसेक सिक्सटी सॉरी कॉसेक सिक्सटी यानी साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, ये टू बाई रूट थ्री होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बाई रूट थ्री मेन बटा का साइन बटा हम लोग लिखेंगे ठीक है, और इसके बाद सिक्स थर्टी दईगा यानी कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू टू बाई रूट थ्री होगा, कॉस सिक्सटी क्या होगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू और माइनस वन,
वन का हिस्सा नहीं सारा के हिस्सा। इसके बाद देखिएगा इसकी नीचे वन है और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है वन है, यहाँ पे टू और थ्री और वन का एलसीएम, यहाँ पे थ्री और टू और वन का एलसीएम, वो एलसीएम हम लोग का है टू रूट थ्री, टू रूट थ्री। ध्यान से देखिएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री आएगा प्लस टू रूट थ्री आएगा और यहाँ पे फोर आएगा। ओके वी विल गेट इट नाउ, जब इसे डिवाइड करेंगे रूट थ्री आएगा, टू रूट थ्री आएगा, रूट टू फोर आएगा। के बाद हम लोग का यहाँ पे जो है इन दोनों का एलसीएम, जो तीनों का एलसीएम होगा यहाँ पे टू रूट थ्री ही आने वाला है, और जो होगा डिवाइड करने के बाद आएगा यहाँ पे क्या टू आएगा, टू टू का फोर होगा प्लस टू से डिवाइड करेंगे रूट थ्री आएगा एंड प्लस टू रूट थ्री आएगा। यहाँ से जो क्या होगा इन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो फाइंड आउट होगा और वो क्या फाइंड आउट होगा वो ध्यान से देखिएगा, देखेंगे हम लोग थ्री और यहाँ पे भी क्या है टू तो वन है टू और एक क्या होगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर बाई यहाँ भी कर लेंगे हम लोग दो एक पी थ्री रूट थ्री प्लस फोर। ओके फिर यहाँ पे हर समीकरण कर लेंगे हम लोग, वो हर समीकरण करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर क्योंकि हम प्लस है साइन माइनस होगा थ्री रूट थ्री माइनस। यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ले लीजिए। ओके दैट मीन्स हम लोग यहाँ देखेंगे थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री रूट थ्री इंटू फोर और नीचे का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। ओके यहाँ तक हम लोग देख लिया इसका स्क्वायर होगा थ्री थ्री जा नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटीन माइनस दो तीन छः चौके चौबीस रूट थ्री बाई थ्री थ्री जा नाइन और नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन। यू विल गेट ऑल्सो जब इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आएगा तैतालीस सैर फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर बाई सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आएगा अलेवन। इज नॉट आंसर टू आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस कुछ नहीं था सारे कैलकुलेशन है, एक एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे हमने क्या किया है परमीकरण किया है और वो हर परमीकरण किया है। ठीक है रेशनलाइजेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लाइक करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखेंगे। The question is 5 cos square theta 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 45 by साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव फाइव रहेंगे कॉस थर्टी यानी कॉस सिक्सटी क्या होगा वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर साइन मल्टीपल का प्लस फोर सेक थर्टी यानी कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू यानी टू बाई रूट थ्री बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टेन वन का स्क्वायर बाई साइन थर्टी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस कॉस थर्टी
अभी देखते हम लोग जब अस्क्वायर करेंगे हम लोग वो अस्क्वायर करने के बाद क्या आने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। ओके नेक्स्ट इधर देखेंगे हम लोग 5/4 5 × 1 5/4 4 × 4 16/3 एंड माइनस 1। हेयर यू विल गेट एलसीएम इज द 4 ओके एंड क्या होगा 1 + 3 ओके एंड यू विल गेट आल्सो इधर एलसीएम होगा जो 12 होंगे वहां पर एलसीएम क्या होगा हम लोग देख लेते हैं 12 डिवाइड करेंगे 3 15 आएगा प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 48 आएंगे माइनस इससे डिवाइड करेंगे 12 × 1 यानी 12 होंगे और नीचे का जो फाइनली होगा 3 × 4/4 और क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएंगे इसका कोई मतलब नहीं रहा इसके बाद। और तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो हम इसे ऐड कर लेंगे कितना आएगा 63 − 12/12 इसे ऐड करेंगे 8 × 13 = 3 + 4 = 5 = 6 अब चेक करोगे आएगा यहाँ पे 1 5 11 ओके ये हमारा आंसर था। ठीक है इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं ध्यान में नहीं इसका आंसर क्या है फिर भी हम लोग देख लेंगे 8.2 ओके कई मिस्टेक्स हैं क्या भी चेक 2 × 4 416 1 5 ओके या इधर साइन 50 बाकी ठीक है कॉस 60 1/2 ओके 5 ओके 5 × 3 = 15 16 × 4 = 64 वो गलती हम लोग का यहाँ पे हुआ है वो गलती क्या है 64 यहाँ पे लिखना होगा। और फाइनली जब हम लोग ऐड करेंगे वो ऐड करने के बाद हम लोग का यहाँ पे जो आंसर आने वाला होगा वो होगा 5 × 4 = 9 एंड 6 × 7 सब चेक करेंगे आएगा 67 ओके बाकी सभी आंसर मेरा सही था इस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो आगे देख लेंगे ओके थैंक यू।